हम बहुत लेट हो गए थे क्योंकि हमारी बहनों ने निकलने हमें इतना लेट कर दिया। अभी भी हम बंक पे हैं। की शादी का वलीमा हम यहीं ये हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब ठीक होंगे और अपने अपने मज़े में होंगे। तो भाई आज हम आए हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइज आज जो है, पहले तो बात ये बताऊं कि इतने दिन मैं और इसरा एक्टिव नहीं थे क्योंकि अब हमारी स्टडी स्टार्ट हो गई हैं और हमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम हमें वहाँ देना पड़ता है क्योंकि आपको पता है स्टडीज़ भी हमें अपनी साथ साथ कंटिन्यू रखनी है। हमें ब्लॉगिंग के लिए स्टडीज़ नहीं छोड़ सकते, तो स्टडीज़ भी हमें अपनी कंटिन्यू रखनी है। तो मैं और यूसरा हम अपना प्रॉपर टाइम अपना उधर देते हैं और यूसरा की भी यूनिवर्सिटी बस 1 वीक में उसकी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी तो वो भी अपनी यूनिवर्सिटी चली जाया करेगी, भी तो हम बिल्कुल ही बिजी हो जाएंगे। तो गाइस आप हमें ना कमेंट में मोटिवेट करें कि भाई वीडियोज़ बनाओ ताकि हम कमेंट पढ़ें, हम खुश होएं और फिर हम वीडियोज़ बनाएं। और कोशिश पूरी है हमारी अपनी कि हम आपको टाइम दें, ज़्यादा ज़्यादा हम ब्लॉग्स करें, लेकिन बस दुआ करें आप हमारे लिए कि हमारी तो स्टडीज़ अच्छी रहे और दूसरा हम टाइम मैनेज कर लें। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी रूटीन आपके साथ शेयर की जाए, यूनिवर्सिटी रूटीन। और अभी बस मैं नाश्ता करने लगी हूँ और कब से मामा नाश्ता बना रही हैं, तो मैंने कहा तब तक मेरा आज एक क्विज़ है तो मैं क्विज़ की तैयारी कर लूँ, लेकिन भाई मुझे क्विज़ बिल्कुल ना, मेरा कुछ पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा। और कब से मैं रजिस्टर पीछे पढ़ा हुआ है, बस मैं ऐसे उसको देखी जा रही हूँ और बस रीड की जा रही हूँ, मतलब दिमाग में मेरे कुछ नहीं पड़ा कि मैं पढ़ क्या रही हूँ, ये लिखा हुआ क्या है। तो अभी बस हम फ़ौरन से नाश्ता करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा क्विज़ वगैरह पढ़ेंगे, तो दिल हुआ तो क्विज़ दे देंगे वरना छोड़ देंगे, क्योंकि भाई अब जीरो लेने से बेहतर आप क्विज़ छोड़ ही दो, या फिर क्विज़ छोड़ दो या जीरो लो, एक ही बात है। तो देखेंगे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, एक दो डेफिनेशन आती ही हैं तो वही दे देंगे, मैम को कहेंगे बस इतना ही आता है। बस नाश्ता जो है हमारा यहाँ VIP रेडी हो रहा है और बस हम जल्दी नाश्ता करेंगे। मामा आज बना रही हैं हलवा पूड़ी, तो अब आप खा तो नहीं सकते लेकिन आप देख ज़रूर सकते हैं, आप बस देख लें। तो गाइस हमारे घर में ना कुछ छोटे बच्चे हैं जो यहाँ डोरेमोन देखते हैं, तो मेरे बहन भाई हैं। मैंने नाश्ता कर लिया और अब जो है मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगी हूँ क्योंकि हमेशा लेट हो जाती हूँ, तो इसलिए क्विक से ट्रांजिशन करेंगे। तो गाइस मैं हो गई हूँ यूनिवर्सिटी के लिए तैयार। अब जो है मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी जबकि मैंने अभी नाश्ता किया, तो मैं थोड़ी सी भूख लगी थी। अब मैंने सोचा कि मैं जाकर फ़ौरन से अपना, जब तक मेरी बहन वगैरह आती हूँ, फ़ौरन से अपना मिल्क शेक बना लूँ, उसको पीऊँ और फ़ौरन से फिर निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। फिर मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो भाई मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मेरी वैन आने लगी है, बस 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स अभी हम चलते हैं। यूनिवर्सिटी आ गए थे लेकिन आज हम बहुत लेट हो गए थे क्योंकि हमारी बहनों ने निकलने हमें इतना लेट कर दिया और अब हमें मिली है सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक। भाई 5 मिनट में हम क्या कर सकते हैं, आप कुछ खा पी सकते हैं या ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड, हम बनाएंगे टिकटॉक। एक को तो ऊपर नीचे नहीं हो सकती तो झूलती है ऐसे। अब हम बनाएंगे टिकटॉक और बस 5 मिनट हो जाएंगे और फिर हम वापस क्लास में चले जाएंगे। और ये हमारी क्लास नहीं है, बस हम दूसरों की क्लास में आके ना वीडियो बना रहे हैं। क्या कहते हैं प्रीवियस, ये हमारी पिछले सेमेस्टर की क्लास थी और हमें बहुत याद आ रही है क्लास। अब हमें इन्होंने इतनी बुरी क्लास दी, अगर किसी ने नहीं देखी तो लास्ट ब्लॉग में जाके देखे। बस ये लोगों तो आप देख चुके होंगे। तो आज ये हमारी यूनिवर्सिटी की नई जगह एक्सप्लोर करने आए हैं, अभी यहाँ काम चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर ना वो छोटे छोटे से घर बना रहे हैं। हाँ। मतलब जिसकी हमारी तरह क्लास लेने का दिल ना करे यहाँ आ जाए, है ना? अभी भी हम बंक पे हैं। क्यों तो बनाया इन्होंने, कैफे तो नहीं बना रहे? पता नहीं क्या बना रहे हैं, कुछ तो बना रहे हैं। अच्छा देख वहाँ से मस्जिद वाली साइड से भी इन्होंने, शुक्र है यार, मुबारकबाद दे मुझे कि हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी हो रही है। बेटे हाँ बेटे बोल दे बेटे। तो गाइस हम गेस करेंगे यार भाई ये कौन सी जगह हो सकती है, तो हमें समझ ही नहीं आ रही, हम चलते चलते इतना आगे आगे इतना। आपस की बात है, हमें क्लास का टाइम हो गया, हमें क्लास में जाना चाहिए। अभी तो तुमने बताया कि हम बंक पे,
लेकिन अब डर लग रहा है कि सर एब्सेंट ना हमारी लगा दें। नहीं नहीं कोई नहीं लगाएंगे, लगा यार जब तक बनेगी ना, हम यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी से ना जा चुके होंगे। ऐसे ही है, ऐसा हाँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है इसको बनने में। बट यार हमें अभी पूरे पूरे 2 साल तो जब ये यूनिवर्सिटी बनेगी ना, ये वाला एरिया जब बनेगा तब भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो जिसे हमारे पिछले व्लॉग नहीं दिखे गाइस, हमारे पिछले व्लॉग भी देखे। इकरा की शादी का वलीमा हम यही जिस दिन ये नहीं आई थी, मैंने व्लॉग में बताया था कि ये नहीं आई, उसने ये सब किया, तो वो व्लॉग जो है ना आपने लाजमी देखना है। सब्सक्राइब भी कर लो गाइस, तुम लोग बगैर सब्सक्राइब के यार देख रहे हो, शर्म करो। कुछ गाइस डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन, बस करो आप। क्लास में जाने अपडेट टाइम बताने क्या हुआ है। अब हमारी लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में ना हमारा क्विज है, तो हमें क्विज नहीं आता था। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम मैम को कहेंगे भाई मैम हमें बख्श दें, आज क्विज ना लें, तो अब देखते हैं कि मैम हमारा क्विज लेती हैं या नहीं लेती। और बस लास्ट क्लास है, उसके बाद हम जाएंगे घर। तो गाइज मैंने ये सोचा कि इन केस अगर मैम नहीं मानती और मैम कहती है क्विज लाजमी है, तो हम अपने रजिस्टर्स जो है ना खोल लेंगे और उसमें से ना हम चिटिंग करेंगे। मैं अपनी स्लाइड खोलूंगी, लेकिन मसला ये है कि मेरी स्लाइड्स खुल नहीं, बस स्लाइड्स खोल लेंगे और मैं अपना रजिस्टर खोल लूंगी। कौन है ये लोग? तो गाइज मेरा क्विज हो गया था, जो कि हम कह रहे थे कि मैम ना लें, लेकिन मैम ने कहा कि नहीं भाई क्विज आपने देना है आपको, हम नंबर में आपको दे दूंगी। तो मैं अब घर आ गई हूँ, मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। तो जिससे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट शेयर मस्ट, और ज्यादा लाइक करें। और दूसरा भी पीछे बैठी हुई फ्राइज खा रही, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।